मॉर्निंग बच्चे, टुडे आई विल टीच यू द चैप्टर नंबर 2 अंडर वाटर एडवेंचर। वी ऑल थिंक दैट मोस्ट ऑफ द टास्क वी हैव टू डू आर बोरिंग। हम सोचते हैं कि जो ज़्यादातर कार्य होते हैं वो बोरिंग करने वाले होते हैं। टू आवर सरप्राइज, लेकिन आप सरप्राइज मानोगे, वी फाइंड सम टास्क दैट आर रैदर इंटरेस्टिंग एंड सम टाइम्स एडवेंचरस टू। लेकिन कभी कभार जो कार्य होते हैं वो इंटरेस्टिंग ही नहीं होते बल्कि बहुत ही ज़्यादा मनोरंजनात्मक भी होते हैं। रोहित स्लम्प्ड इन हिज सीट एंड मौंड। रोहित अपनी सीट पर बैठ गया और कराने लगा। ही वॉज इन अ वेरी डीप थिंकिंग। वह बहुत गहरी सोच में था। हिज फादर हैड ड्रैग्ड हिम अलॉन्ग फॉर ऑल दी वीकेंड एरेंड। उसके पिता ने उसको अपनी ओर खींच लिया था। उसको किसके लिए खींच लिया था? वीकेंड एरेंड्स के लिए, साप्ताहिक जो छोटे मोटे कार्य होते हैं उनको करने के लिए उसको अपने साथ खींच लिया। रोहित जस्ट वॉन्टेड टू गो होम। और रोहित तो घर जाना चाहता था। एंड प्ले वीडियो गेम्स, और वह वीडियो गेम खेलना चाहता था। बट हिज डैड इंसिस्टेड हिम। लेकिन उसके पिता ने उसको फोर्सफुली डिमांडेड किया कि वह उसके साथ अच्छे कार्यों में उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। हाउ मैनी मोर प्लेसेज डू वी हैव टू गो? रोहित आस्क्ड आफ्टर द फोर्थ स्टॉप। हर चौथे स्टॉप के बाद उसने अपने पिता से पूछा, अब कितने और प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें जाना है? दे हैड ऑलरेडी बीन टू द बैंक, द सुपर मार्केट, द पोस्ट ऑफिस एंड द ड्राई क्लीनर। मैं पहले से ही एक के बाद एक पहले बैंक जा चुके हैं, सुपरमार्केट जा चुके हैं, पोस्ट ऑफिस जा चुके हैं एंड ड्राई क्लीनर। सो ही कुडंट इमेजिन व्हाट दे कुड पॉसिबली हैव लेफ्ट टू डू। तो उसे नहीं लगता, वो इमेजिन नहीं करता कि अब उसे कहाँ और जाना है। जस्ट वन मोर, उसके पिता कहते हैं कि एक और बस बच्चा, एक और। हिज फादर स्माइल एंड रिप्लाइड, आई सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट। उसके पिता कहते हैं कि एक स्थान और, एक गंतव्य स्थान और जहाँ हमें जाना है। उसके पिता उससे कहते हैं जो मैंने तुम्हारे लिए एक बेस्ट स्थान रखा है वो उस स्थान पर और जाना है। रोहित डिडेंट थिंक द एरेंड्स वर फन। रोहित को ऐसा नहीं लगता कि ये जो एरेंड्स हैं, ये जो छोटे मोटे कार्य हैं, जो छोटे छोटे टास्क हैं, इसमें कोई फन हो सकता है। ओह नो, वी आरेंट गोइंग स्कूल क्लॉथ शॉपिंग विया आवी। तो वो कहता है, ओ नो, क्या हम जो स्कूल यूनिफॉर्म है ना, स्कूल क्लॉथ है, क्या उसकी शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे हैं? उसके डैड बोलते हैं, नो, दिस इज़ मच मोर एक्साइटिंग, फादर रिप्लाई। उसके पिता ने कहा कि ये उससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग है। रोहित थॉट इज दैट माइट नॉट हैव द सेम डेफिनेशन ऑफ द एक्साइटिंग दैट ही हैड। उसने सोचा कि अब उसके पिता वो डेफिनेशन नहीं देंगे जो देते आए हैं। बट ही ट्राइड टू बी होपफुल। लेकिन उसे आशा थी, उसने कोशिश की कि अब वो आशा करता है कि अब उसके जो पिता हैं उसको वही डेफिनेशन नहीं देंगे जो देते आए कि अब वह यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। बट आफ्टर दी बैंक, लेकिन बैंक जाने के बाद, हाउ बोरिंग कोड दिस एरेंट्स। वह सोचने लगता है कि जो बैंक जाने के बाद जो साप्ताहिक जो कार्य थे, ये जो टास्क थे, वो कितने कितना ज़्यादा बोरिंग था। सो हिज डैड पुल्ड अप एट दी बबल प्लेस। उसके जो पिता हैं उसको एक बबल प्लेस पर ले जाते हैं। बबल प्लेस एक बुलबुल वाले स्थान पर ले जाते हैं। रोहित ग्रोंड किया। बच्चों, ग्रोंड होता है मेड अ डीप पेनफुल साउंड। वो बहुत तो उसको पेनफुल साउंड सा निकलता है। बच्चों का मन नहीं होता है ना, जब वो कहीं जाते हैं तो उनका मन नहीं होता, पेनफुल साउंड सा अंदर से रहता, यार मैं कहाँ आ गया, मुझे नहीं जाना था यहाँ पे। तो वैसे ही वो उसने ग्रोंड किया। द नेम वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग दैन द एक्चुअल। लेकिन जो नेम था वो और एक्चुअल प्लेसेस से इंटरेस्टिंग था। द कार वॉज, हाउ इज दिस एक्साइटिंग? रोहित क्रॉस्ड हिज आर्म्स इन प्रोटेस्ट। रोहित ने कहा, कार वॉस कैसे एक्साइटिंग हो सकता है? रोहित क्रॉस्ड हिज आर्म्स इन प्रोटेस्ट। उस बच्चे ने क्या किया, जो अपने जो हाथ होते हैं जो मना करने के लिए, बच्चे अपने हाथ तो नहीं रख लेते हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर लेते, वैसे उसने अपने हाथों को प्रोटेस्ट कर लिया, मना सा कर दिया कि ये इसमें क्या एक्साइटिंग है। यू विल सी, हिज फादर सेड। उसके पिता ने कहा, तुम देखो इसको। रोहित एक्सपेक्टेड हिज फादर टू पुल इन टू एन ओपन गैरेज काइंड ऑफ बिल्डिंग एंड गेट आउट टू यूज दी होस। रोहित ने अपने पिता से ऐसा एक्सपेक्ट किया, उसको ऐसा लग रहा था कि उसके जो पिता हैं उसको एक बड़ी सी बिल्डिंग में ले जाएंगे, गैरेज टाइप की बिल्डिंग में ले जाएंगे। वहाँ पे होस होता है बेटा, फ्लेक्सीबल जो बॉल होती है जिसमें से पानी निकलता है,
वही तो उसने सोचा कि जो फ्लेक्सिबल ट्यूब होगा वाटर वाला, जिससे जिससे वह कार को धुलेंगे, उसने ऐसे ही सोचा था। बट ऐसा नहीं होता, बस इंसिस्टेड ही पुल्ड अप टू सम सॉर्ट ऑफ ड्राइव थ्रू। लेकिन बार बार वह उसको लेकिन इन सब की बजाय उन्होंने तो एक छोटी सी ड्राइव थी जो बच्चों वो जो कार थी वो ऑटोमेटिक कार थी, उसमें ड्राइव लगी हुई थी जो उसके पिता का, जो अगर वो जैसा भी उसको करते थे पुल्ड करते थे वो उसको वैसा ही करते थे। सो व्हाट्स इट दिस, सो उसने कहा ये क्या है, रोहित आस्क, उसने पूछा। यू हैव नेवर बीन इन वन ऑफ दिस, ऐसा तुमने कभी भी नहीं देखा होगा। नो, मॉम गोज टू दी सेल्फ सर्व कार वॉश, मॉम तो खुद ही अपनी कार को वॉश करती थी। हे हिज डैड स्माइल, उसके पिता हंसे। आई लाइक दिस वन बेटर, लेकिन ये उससे भी बेटर है और जो मुझे बहुत पसंद है। इट्स लाइक एन अंडर वाटर एडवेंचर, और ये एक अंडर वाटर एडवेंचर की तरह है। अंडर वाटर एडवेंचर, वर दे ड्राइविंग इन टू वाटर और समथिंग, उसने कहा अंडर वाटर एडवेंचर जैसा है क्या, हम पानी के अंदर ड्राइव कर रहे हैं कुछ ऐसा समथिंग कर रहे हैं। सो रोहित वॉच्ड इन साइलेंस एज हिज फादर पेड द अटेंडेंट एंड पुल्ड द कार ऑन टू अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ कॉन्वेयर बेल्ट। रोहित ने साइलेंटली सब कुछ देखा, फिर चुपचाप सारा कुछ देखता रहा। उसके पिता ने उसको, एक अटेंडेंट था जो कार में जो लगा हुआ था, उसको ऑर्डर देते हैं उस, और उस अटेंडेंट के वो जो कार होते हैं उसको एक पुली नुमा उस पर चढ़ा देते हैं, कार को एक पुल्ड कर देते चढ़ा देते हैं और स्ट्रेंज काइंड ऑफ कॉन्वेयर बेल्ट। कॉन्वेयर बेल्ट बच्चों होता है अ कॉन्टीन्यूस मूविंग बेल्ट टू कैरी ऑब्जेक्ट। कॉन्वेयर बेल्ट होता है जो किसी भी सामान को अब ले जाए, उसको ऊपर उठाए, अप डाउन कर पाए, वो होता है कॉन्वेयर बेल्ट। सो सुडेंट वी गेट आउट ऑफ द कार, तो क्या हमें, रोहित आस्क सुडेंट वी गेट आउट ऑफ द कार, उसने कहा कि मुझे कार से निकल जाना चाहिए। यू कुड, तुम कर सकते हो, बट यू हैव मिस द बेस्ट पार्ट, लेकिन तुम तो कर सकते हो, उसके पिता ने कहा। वो रो रहा था बहुत बहुत ज़्यादा, वो रोहित बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था कि ये पापा क्या बोल रहे हैं, मेरे डैडी क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक कार थी इसलिए। तो उसने कहा कि मुझे उतर जाना चाहिए, रोहित ने कहा। तो उसके पिता बोलते हैं कि ठीक है तुम उतर जाओ, बट यू वुड मिस दी बेस्ट पार्ट, लेकिन तुम एक बेस्ट पार्ट है वो मिस कर सकते हो। हिज फादर टुक हिज हैंड ऑफ द व्हील एज द कार वॉज पुल्ड फॉरवर्ड, उसके पिता ने उसके हैंड को टुक हिज हैंड ऑफ दी व्हील एज दी कार वॉज पुल्ड, जैसे ही कार उसको ऊपर उठी उसके पिता ने अपने हाथों को पीछे कर लिया। दे ड्रॉव थ्रू अ ब्लैक प्लास्टिक मैट हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द ड्राइव, उस वो जो वह उसमें ड्रॉप कर रहे थे, वह उसमें उसमें जो पॉलीथीन लगी हुई थी, एक ब्लैक कलर की ब्लैक प्लास्टिक लगी हुई थी उसमें ऊपर से, ऑटोमेटिक कार थी। जैसे ही उसने उसको अटेंडेंट को उनके पिता ने उस कहा, तो वो एक पूरे उसे ऑटोमेटिकली कार की तरह उसमें से एक ब्लैक प्लास्टिक निकलती जो उसकी सीलिंग पर लग जाती है और वो ड्रॉप कर देती है। सो रोहित स्टार्टेड इन अमेजमेंट, रोहित बहुत अमेजमेंट खुश हो जाता है। एज द कार वॉज स्प्रेड विद द वाटर फ्रॉम अबव, और जो कार होती है वो स्प्रेड की जाती है उसके ऊपर से पानी, यदि वाटर पाउंडेड डाउन ऑन द कार, जो वाटर होता है वो उस पर गिर रहा होता है स्ट्रोक रिपीटली, और जो पानी बार बार उसके ऊपर, रोहित बहुत प्रसन्न होता है, हंसने लगता है। दैट्स प्रिटी, ये कितना कूल है, लाइक अ रेन स्ट्रॉम और समथिंग, ऐसे लग रहा है जैसे कोई तूफान, जो बारिश होती है इस टाइप का लग रहा है कुछ इस तरीके से। वो जो पानी पड़ रहा था उसकी स्ट्रोक पे स्ट्रोक उस कार पे गिर रही थी, उसकी ऑटोमेटिक कार थी, उसकी धुलाई हो रही थी। सो सॉप सूट्स वॉश्ड ओवर दैम, जो सॉप सूट्स मीन्स होता है दी मास ऑफ स्मॉल बबल्स, जो छोटे छोटे जो
बबल्स का जो पूरा जो इकट्ठे बबल्स जो उसके ऊपर गिर रहे थे, एंड दे पास्ड थ्रू रोलिंग ब्रशेस ऑन बोथ साइड। और वह एक उसमें से ब्रश निकलता है, उसके अटेंडेंट ब्रश को भी करता है, उसमें से ब्रश निकलना होता है तो उससे वह साफ़ कर रहा था। आई कॉल दो सी एनीमोनस, उसको उसने उससे क्या कहा, एनीमोनस अ टाइप ऑफ प्लांट फ्लावर, तो वो ऐसे लग रहे थे मानो कि ये कोई फ्लावर हो, फ्लावर प्लांट हो। हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा इट्स लाइक बीइंग अ फिश, ये ऐसे लगते हैं जैसे कोई फिश और सम अदर सी क्रिएचर इज़ेंट, ऐसा नहीं लगता कि ये कोई फिश हो और कोई अदर क्रिएचर, कोई अदर प्राणी हो पानी वाला। सो रोहित रोल्ड हिज आई, रोहित ने अपनी आंखें घुमा ली, आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो सकता है, ऑटोमेटिक कार थी, उसने ये कभी देखा नहीं था इसलिए वह बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था। बट एज दी कार वॉज पुल्ड थ्रू अ ड्राइंग स्टेशन, लेकिन जब कार को सुखाने वाले स्टेशन गंतव्य उस गंतव्य स्थान पर ले जाएगा जहाँ कार को सुखाना था, दी ब्लू एयर एक हवा चली एंड विप्ड द कार विद अ बंच ऑफ विगलिंग होता है मूविंग अप एंड डाउन फ्रॉम साइड टू साइड रैपिडली, विगलिंग होता है फेल्ट स्ट्रिप्स, और उसमें ऐसा लग रहा था उसको अप डाउन करके उसको वो उसमें से स्ट्रिप्स निकलती हैं, पट्टियाँ निकलती हैं उसको कार को पहुँच देती हैं, उसको उसमें ऐसे साइड बाई साइड मूविंग कर रही थी, वो सोख लेती हैं वो पट्टियाँ उसके पानी को। सो रोहित सैड, रोहित ने कहा है दैट लुक्स लाइक एन ऑक्टोपस रैपिंग अस अप इनटू इट्स आर्म, ये ऐसे लग रहा है मानो कोई ऑक्टोपस हो। ऑक्टोपस होता है बच्चों वाटर क्रिएचर हैविंग एट आर्म्स, जिसकी आठ पैर होते हैं वो ऑक्टोपस होता है। जो उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो स्ट्रिप्स हैं, जो पट्टियां हैं, जो कार को पोंछ रही थी, विप्ड कर रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कि मानो कोई ऑक्टोपस हो जो अपनी भुजाओं को अपने समेट लेता है अपने आप में, ऐसे लग रहा था। इसी तरीके से वो जो विगलिंग फेल्ट स्ट्रिप्स थी उसको उस कार को वो लपेट लेते हैं। तो नाउ यू आर गेटिंग इट, हिज फादर पैटेड हिज शोल्डर, दे कम आउट ऑफ द कार वॉश नाउ, उसके बाद उसके पिता ने उसको उसके कंधे पर प्यार से हाथ फेरते हैं, एंड नाउ यू आर गेटिंग इट, अब तुम समझ रहे हो कि दे केम आउट ऑफ द कार, वह कार से बाहर आते हैं। सी हिज फादर सैड नॉट ऑल एरेंट्स आर बोरिंग, देखो हे उसके पिता ने कहा देखो बच्चे कि कोई भी कार बोरिंग नहीं होता, कोई भी छोटा छोटा कार जो टास्क होते हैं वो बोरिंग करने वाले नहीं होते हैं। कैन वी डू दैट अगेन, रोहित आस एक्साइटेडली, तो जो रोहित होता है उसने एक्साइटेडली कहा कि क्या ये कार हम दोबारा कर सकते हैं। सो बच्चों ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, ये मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको। सो अब आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज भी देखनी है, ये एक्सरसाइज है तो आपको इसको सॉल्व करनी है।